आपने सुना, सबने एक ही नारा दिया कि हम टैक्स नहीं देंगे। टैक्स किस बात का देना हमने? जब हम सीमेंट लेते हैं उसके ऊपर 18% टैक्स देते हैं, सरिया लेते हैं उसके ऊपर टैक्स देते हैं, अगर रेता लेते हैं तो उसके ऊपर रॉयल्टी देते हैं, बजरी लेते हैं रॉयल्टी लेते देते हैं, और जो चीज हमें 500-700 रुपए में मिलती थी आज वो 8-8 हजार रुपए मिल रही है। रेते की ट्राली पहले मतलब 1100-1200 रुपए में एक ट्राली मिल जाती थी, आज रेते की ट्राली एक तो मिलती नहीं है, ऐसे ही सिस्टम बना दिया गवर्नमेंट ने, एक तो मिलती नहीं है, अगर मिलती है तो 8-10 हजार से कम नहीं मिलती है। जम्मू कश्मीर में प्रॉपर्टी टैक्स को लेकर जम्मू कश्मीर की सियासत गरमाई हुई है। इसी बीच नगर परिषद कठुआ के परिसर में आज एक बैठक का आयोजन किया गया है। नगर परिषद कठुआ के अध्यक्ष राजेंद्र सिंह बब्बी की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में तमाम काउंसलर्स ने यहाँ पर हिस्सा लिया है। मेजॉरिटी के जो काउंसलर्स हैं वो यहाँ पर पहुँचे थे, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी के हों, कांग्रेस के हों, चाहे डोगरा स्वाभिमान संगठन पार्टी के हों, सभी पार्षदों ने एकजुट होकर एक मत यही नारा दिया है कि कठुआ के लोगों पर प्रॉपर्टी टैक्स लागू नहीं किया जाएगा। इस समय की बड़ी खबर, नगर परिषद पार्षद हैं, उन्होंने एक ही मत में ये कहा है कि कठुआ के लोगों पर प्रॉपर्टी टैक्स लागू नहीं किया जाएगा। उनका ये भी कहना है कि कठुआ के लोगों को जब तक मूलभूत सुविधाएं यहाँ पर नहीं दी जाती तब तक कोई किसी भी प्रकार का प्रॉपर्टी टैक्स यहाँ पर नहीं लगाया जाएगा। नगर परिषद कठुआ के अध्यक्ष चौधरी राजेंद्र सिंह बब्बी का ये कहना है कि कठुआ के लोगों को अभी तक मूलभूत सुविधाओं का अभाव है, जब तक उन्हें मूलभूत सुविधाएं नहीं दी जाती तब तक किसी भी प्रकार का टैक्स जनता से नहीं लिया जाएगा। इस समय की बड़ी खबर, प्रॉपर्टी टैक्स विवाद के बीच नगर परिषद कठुआ के परिसर में बैठक का आयोजन यहां पर हुआ है और बड़ा फैसला यहां पर ये लिया गया है कि कठुआ के लोगों को प्रॉपर्टी टैक्स नहीं देना होगा। लोगों को निश्चिंत हो जाना चाहिए, चिंता मुक्त हो जाना चाहिए, क्योंकि कठुआ के लोगों को प्रॉपर्टी टैक्स अब नहीं देना होगा। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं नगर परिषद कठुआ की, यहाँ पर बैठक का आयोजन जो है वो किया गया है एक मत में, सभी ने हाथ खड़े कर ये निर्णय यहाँ पर लिया है कि कठुआ के लोगों को प्रॉपर्टी टैक्स नहीं देना होगा, क्योंकि प्रॉपर्टी टैक्स को लेकर एक अलग तरह की राजनीति जो है जम्मू कश्मीर में शुरू हुई है। लोगों का यहाँ पर ये कहना है कि जो प्रॉपर्टी टैक्स है ये आम जनता पर एक बोझ है, और वहीं इसका विरोध ना केवल विपक्षी दल बल्कि जो सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी है उनके नेता भी इस बात का विरोध कर रहे हैं कि जम्मू कश्मीर में प्रॉपर्टी टैक्स लागू नहीं होना चाहिए। और नगर परिषद कठुआ के जितने भी काउंसलर्स हैं, आप तस्वीरें देख पा रहे हैं कि मेजॉरिटी में जो काउंसलर हैं वो इस बैठक में यहाँ पर पहुंचे हैं और एक मत में ये फैसला लिया गया है कि कठुआ के लोगों पर प्रॉपर्टी टैक्स लागू नहीं किया जाएगा। इसमें बैठक में भारतीय जनता पार्टी के काउंसलर भी शामिल हैं, डोगरा स्वाभिमान संगठन पार्टी के काउंसलर भी शामिल हैं, जो आजाद पार्षद हैं वो भी यहाँ पर शामिल हैं, और इसके साथ साथ जो कांग्रेस के पार्षद हैं वो भी यहाँ शामिल हैं। और एक मत में ये कहा गया है कि कठुआ के लोगों को प्रॉपर्टी टैक्स नहीं देना होगा, जब तक कठुआ के लोगों को मूलभूत सुविधाएं नहीं दी जाती तब तक प्रॉपर्टी टैक्स लागू नहीं किया जाएगा। कठुआ से सरबजीत सिंह, जेके मीडिया के लिए। प्रॉपर्टी टैक्स लगाने से पहले हमें वो इतनी सुविधा तो दे दे, जैसे हम मेरे पार्षद पाठी पठानिया साहब ने बोला, हमारी ना कोई रोड है, ना बिजली है, ना 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 पानी है, ना, और देखो हमारी, आप सब कठुआ गई हैं, कितनी बिजली आती है हमारी, अगर सुबह 6 बजे बंद होती है शाम 6 बजे तक हम बिजली को तरसते रहते हैं, अगर पानी है तो वो किसी को आता ही नहीं है, वार्ड नंबर 1 में देख लो पानी नहीं है, वार्ड नंबर ऊपर जितने भी नहर के ऊपर सारे जितने भी वार्ड है वहां तो पानी है ही नहीं है। ये हमने तो चलो बोर कराना शुरू किया लोगों को, बेचारा पानी यहाँ मिले, और इसके बाद टैक्स किस बात का देना हमने? जब हम सीमेंट लेते हैं उसके ऊपर 18% टैक्स देते हैं, सरिया लेते हैं उसके ऊपर टैक्स देते हैं, अगर रेता लेते हैं तो उसके ऊपर रॉयल्टी देते हैं, बजरी लेते हैं रॉयल्टी लेते देते हैं, और जो चीज हमें 500-700 रुपए में मिलती थी आज वो 8-8 हजार रुपए मिल रही है। रेते की ट्राली पहले मतलब 1100-1200 रुपए में एक ट्राली मिल जाती थी, आज रेते की ट्राली एक तो मिलती नहीं है, ऐसे ही सिस्टम बना दिया गवर्नमेंट ने, एक तो मिलती नहीं है, अगर मिलती है तो 8-10 हजार से कम नहीं मिलती है, और एक गरीब आदमी एक कमरा बनाने के लिए तरस रहा है। जिस आदमी गरीब आदमी का कमरा अगर 50 हजार में बनता था आज 3-4 लाख से कम नहीं बनता है, ये तो आप कभी नोट करना और देख लेना जाके। बाकी टैक्स हम तब देना जब हमारी ये सारी सुविधा पूरी करे, हमें रियाल्टियां छोड़े हमें, और हमारी जमीनों में हमारे लोगों के ऊपर रियाल्टी है, ये जो दरिया है ये सारा मतलब कि लोगों का पर्सनल दरिया है,
दरिया ने जगह वो कर ली, पानी छोड़ छोड़ के मतलब हमारी जगह बर्बाद कर दी, लेकिन हया तो हमारे लोगों की है, उसके भी पैसे ले रहे हैं रियाल्टी के, और उसकी जो है जबरदस्ती रियाल्टियाँ ले रहे हैं, और रियाल्टी का भी कोई ऐसा रेट नहीं है कि मतलब कि एक ट्राली से हो सकता 500 ले, दूसरे को जबरदस्ती 2000 रुपया ले ले, मतलब ऐसा ऐसा सिस्टम बना दिया है। तो और वो भी कभी कोई रोक देता है, कभी कोई रोक देता है, इसलिए ये टैक्स हमें मंजूर नहीं है, क्योंकि हमारे काउंसलरों को भी मंजूर नहीं है, तो हमें कैसे मंजूर होगा। और जब ये कोई बात ये नहीं है कि हम कोई बीजेपी के हैं या कांग्रेस के हैं या कोई आजाद है, ये वो है, ये सारे काउंसलर हमारे जितने भी हैं सारी पार्टियों को भी हैं, लेकिन हमें ये सारे कह रहे हैं कि हमें टैक्स मंजूर नहीं है। सभी पार्षद जहां मौजूद थे उन्होंने क्या, आपने सुना, सबने एक ही नारा दिया कि हम टैक्स नहीं देंगे। प्रताप जी, क्या शहरवासी फिर बेफिक्र हो जाए कि जो वो चिंता करके बैठे हैं टैक्स की, प्रॉपर्टी टैक्स की? मैं तो कहता हूँ शहरवासी छोड़ के गांववासी भी सारे बेचिंतित रहने चाहिए, और सारे लोगों ने इसका विरोध करना चाहिए, क्योंकि इससे हमारे लोगों का, हमारे गरीब लोगों का नुकसान होगा।